गुजरात में बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने चुनावों के समय किए जाने वाले लोक लुभावन वादों को लेकर इशारों में विपक्ष पर निशाना साधा। चुनाव में रेवड़ी बांटने वाले वादों पर पीएम ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने एक कहावत कही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इसके साथ ही पीएम ने कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया। पीएम ने कहा कि हमारी जीत को विपक्ष पचा नहीं पाएगा, ऐसे में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। किया और ना ही कभी बीजेपी को निराश किया। इधर गुजरात विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत से गदगद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी और उनका आभार जताया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद दिया। गुजरात में मिली प्रचंड जीत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में तैयारी की गई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखी। थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच गए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन पर फूलों की बारिश की गई। यही नहीं, मंच पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री को फूलों की एक बड़ी माला पहनाई गई। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बाद में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने गुजरात चुनाव में मिली प्रचंड जीत को ऐतिहासिक बताया। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात में लोगों ने जाति और समुदाय से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने गुजरात की जनता को यह भरोसा भी दिलाया कि राज्य में विकास के काम और तेजी से होंगे। यही नहीं, पीएम ने हिमाचल को भी यह आश्वासन दिया कि वहां के विकास में केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। गुजरात में इस बार बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर राज्य के चुनावी इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।